शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द औरत पैदा करके रूए जमीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से हुकूक का मुतालबा करते हो, और कतर रहमी से बचो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीजा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो, और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ, कि यह बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, दो दो या तीन तीन या चार चार उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे, तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो। इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। और औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दिया करो। हां, अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे मजे से खा लो। और कम अकलों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबबे मईशत बनाया है मत दो। हां, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो, और उनसे माकूल बात कहते रहो। और यतीमों को बालिग होने तक काम काज में मसरूफ रखो और जांचते रहो। फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो, और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, उसको फजूल खर्ची और जल्दी में न उड़ा देना। और जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए, और जो जरूरतमंद हो वो मुनासिब तौर पर यानी बकदर खिदमत कुछ ले ले। और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर लिया करो, और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है। जो माल मां बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं, तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो, और उनसे माकूल बात कहो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्ने नन्ने बच्चे छोड़ जाएं, और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि हमारे मरने के बाद उन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं, और जरूर दोजख में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी दो या दो से ज्यादा, तो कुल तरके में उनका दो तिहाई है। और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निस्फ है, और मैयत के मां बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा है, बशर्ते कि मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद न हो और सिर्फ मां बाप ही उसके वारिस हों, तो एक तिहाई मां का हिस्सा है, और अगर मैयत के भाई भी हों तो मां का छठा हिस्सा होगा। और यह तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो, अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों और पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत। और जो माल तुम्हारी बीवियां छोड़ मरें, अगर उनकी औलाद न हो तो उसमें से निस्फ तुम्हारा है, फिर अगर उनकी औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई है। लेकिन यह तकसीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो, की जाए। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारी बीवियों का उसमें चौथा हिस्सा है, फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका आठवां हिस्सा है। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो, और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा, मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब एक तिहाई में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज, बशर्ते कि इनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो, तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है, और अल्लाह निहायत इल्म वाला है, बुर्दबार है। ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं,
और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की फरमा बरदारी करेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा उसको अल्लाह दोजख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत का अजाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठीं उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो दो मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेती हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं। और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफर की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनों, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हां, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो, फिर अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को ढेर सामाल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना, भला तुम बुहतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं? और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका, ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रिजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं, और जिन औरतों से तुम खलवत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम हैं। हां, अगर उनके साथ तुमने खलवत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है मगर जो हो चुका सो हो चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं मगर वो जो कैद होकर बांदियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है और इन मुहर्रमात के सिवा दूसरी औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो न कि शहवत परस्ती। तो जिन औरतों से तुम लुत्फ अंदोज हुए उनका मेहर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से मेहर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुना नहीं, बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन बांदियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हो निकाह कर ले, और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है, तुम आपस में एक दूसरे के हमजिंस हो, फिर उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनका मेहर भी अदा कर दो बशर्ते के वो पाक दामन हो, न ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहें। फिर अगर वो निकाह में आकर बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें तो जो सजा आजाद औरतों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये बांधी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो, और ये बात कि सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको
अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और इंसान तबान कमजोर पैदा हुआ है। मोमिनो, एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज है। और अपने आप को हलाक न करो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो ज्यादती करते हुए और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम उसको अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह को आसान है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है परहेज करोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह मुआफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज में अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और अल्लाह से उसका फजल करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और जो माल मां बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे तो हकदारों में तकसीम कर दो कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं। और जिन लोगों से तुम अहद कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो, बेशक अल्लाह हर चीज पर निगरान है। मर्द औरतों पर हाकिम है इसलिए कि अल्लाह ने बास को बास से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीबियां हैं वो फर्माबरदार होती हैं, और उनके पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत में माल व आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की नस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले उनको जबानी समझाओ, अगर न समझें तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर उस पर भी बाज ना आए तो जदोकोब करो, फिर अगर तुम्हारा कहना मान लें तो फिर उनको ईजा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक अल्लाह बहुत ऊंचा है, बड़ा है। और अगर तुम लोगों को मालूम हो कि मियां बीवी में अनबन है तो एक मुनसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुनसिफ औरत के खानदान में से मुकर्रर करो, वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मुवाफिकत पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, सब बातों से खबरदार है। और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाओ। और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और नादारों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हों सबके साथ हुस्न सलूक करो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। जो खुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं। और जो माल अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है उसे छुपा छुपा के रखें। और हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो खर्च भी करें तो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को, और ईमान न अल्लाह पर लाएं न रोजे आखिर पर। और जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। और अगर ये लोग अल्लाह पर और रोजे कयामत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने इनको दिया था उसमें से खर्च करते तो इन पर क्या मुसीबत आ पड़ती। और अल्लाह इनको खूब जानता है। अल्लाह किसी की जर्रा भर भी हक तलफी नहीं करता, और अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको कई गुना कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। भला उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे और तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों का हाल बताने को बतौर गवाह तलब करेंगे। उस रोज काफिर और पैगंबर के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश उनको धसा कर जमीन बराबर कर दी जाती, और वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक उन अल्फाज को जो मुंह से कहो समझने न लगो नमाज के पास न जाओ, और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास न जाओ यहां तक कि गुस्ल कर लो। हां, अगर बहालत सफर रस्ते चले जा रहे हो और पानी न मिलने के सबब गुस्ल न कर सको तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी लो और मुंह और हाथों का मसा करके तयम्मुम कर लो,
बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया था कि वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रस्ते से भटक जाओ, और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है, और अल्लाह ही काफी कारसाज है और अल्लाह ही काफी मददगार है। और ये जो यहूदी हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किताबुल्लाह के कलेमात को उनके मकामात से हटा देती हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया और नहीं माना, और कहते हैं सुनो न सुनवाए जाओ, और जबान को मरोड़ कर और दीन में तान की राह से तुमसे गुफ्तगु के वक्त राइना कहती हैं, और अगर यूं कहते कि हमने सुन लिया और मान लिया और सिर्फ इस मा और राइना की जगह उनजुर ना कहते तो उनके हक में बेहतर होता और बात भी बहुत दुरुस्त होती, लेकिन अल्लाह ने उनके कुफर के सबब उन पर लानत कर रखी है तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाती हैं। ऐ किताब वालों, कबल इसके कि हम कुछ चेहरों को मिटा दें और फिर उनकी पीठ की तरफ फेर दें या उन पर इस तरह लानत करें जिस तरह हफ्ते वालों पर लानत की थी हमारी नाजिल फरमाई हुई किताब पर, जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है, ईमान ले आओ, और अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया सो समझ लो कि हो चुका। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बोहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीजा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीजा करता है, और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं, और यही खुला गुनाह काफी है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं और कुफार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रस्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे तो तुम उसका किसी को मददगार न पाओगे। क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है? उस सूरत में तो ये लोगों को तिल बराबर भी न देंगे। या जो अल्लाह ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है उसका हसद करते हैं। तो हमने खानदान इब्राहिम को किताब और दानाई अता फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी, फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और कोई उससे रुका रहा, तो उन न मानने वालों के लिए दोजख की जलती हुई आग काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे, जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, वहां उनके लिए पाक बीबियां हैं और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनता है, देखता है। मोमिनों, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करो, और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। फिर अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ वाके हो तो अगर अल्लाह और रोजे आखिर पर ईमान रखते हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका अंजाम भी अच्छा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं, और चाहते ये हैं कि अपना मुकदमा अल्लाह के बागी के पास ले जाकर फैसल कराएं, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उसको न माने, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहकाकर रस्ते से दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे गुरेज करते और रुके जाते हैं। फिर कैसी नदामत की बात है कि जब उनके आमाल की शामत से उन पर कोई मुसीबत वाकई होती है तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और कस्में खाते हैं कि वल्लाह हमारा मकसूद तो भलाई और मुसालहत था। इन लोगों के दिलों में जो जो कुछ है अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल ना करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाएं।
और हमने जो पैगंबर भी भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और अल्लाह से बख्शिश मांगते और पैगंबर भी उनके लिए बख्शिश तलब करते तो अल्लाह को मुआफ करने वाला बड़ा मेहरबान पाते। बस तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाजुआत में तुम्हें मुनसिफ न बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग भी ना हो बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। और अगर हम इन पर फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़कर निकल जाओ तो इनमें से थोड़े ही लोग ऐसा करते। और अगर ये उस नसीहत पर कारबंद होते जो इनको की जाती है तो इनके हक में बेहतर और दीन में ज्यादा साबित कदमी का मूजिब होता, और उस सूरत में हम इनको अपने हाथ से अजर अजीम भी अदा फरमाते और इनको सीधा रास्ता भी दिखाते। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो कयामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और सालिहीन, और उन लोगों की रिफाकत बहुत ही खूब है। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह जानने वाला काफी है। मोमिनों, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि खामखा देर लगाता है और पीछे रह जाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद न था। और अगर अल्लाह तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुम में उसमें दोस्ती थी ही नहीं, अफसोस करता और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। अब जो लोग आखिरत को खरीदते और उसके बदले दुनिया की जिंदगी को बेचना चाहते हैं उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करें, और जो शख्स अल्लाह की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लड़ते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं, सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत क्योंकि शैतान का दांव कमजोर होता है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और जकात देते रहो, फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ए अल्लाह तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया, थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी। ए पैगंबर इनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए नजात आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐ जिहाद से डरने वालों तुम कहीं रहो मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, खा मजबूत कलों में रहो। और इन लोगों को अगर कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई मुसीबत पहुंचती है तो ऐ पैगंबर तुमसे कहते हैं कि ये आपकी वजह से हमें पहुंची है। कह दो कि रंज राहत सब अल्लाह ही की तरफ से है। इन लोगों को क्या हो गया है कि बात भी नहीं समझ सकते। ऐ आदमजाद तुझको जो फायदा पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है और जो नुकसान पहुंचे वो तेरी ही शामत आमाल की वजह से है। और ऐ नबी हमने तुमको लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है और इस बात का अल्लाह ही गवाह काफी है। जो शख्स रसूल की फरमाबरदारी करता है तो बेशक उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की, और जो नाफरमानी करे तो ऐ पैगंबर तुम्हें हमने उनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और ये लोग मुंह से तो कहते हैं कि आपकी फरमाबरदारी दिल से मंजूर है, मगर जब तुम्हारे पास से चले जाते हैं तो इनमें से बाज लोग रात को तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करते हैं, और जो मशवरे ये करते हैं अल्लाह उनको लिख लेता है, सो इनका कुछ ख्याल ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह ही काफी कारसाज है। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें वो बहुत सा इख्तिलाफ पाते।
और जब इनके पास अमन या खौफ की कोई खबर पहुंचती है तो उसे मशहूर कर देती हैं, हालांकि अगर उसको पैगंबर और अपने जिम्मेदारों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले उसकी तहकीक कर लेते, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब शैतान के पैरों हो जाते। सो ऐ पैगंबर, अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपने सिवा किसी के जिम्मेदार नहीं हो, और मोमिनों को भी तरगीब दो, करीब है कि अल्लाह काफिरों की लड़ाई को बंद कर दे, और अल्लाह शदीद तरीन जंग करने वाला है और सजा देने के लिहाज से भी बहुत सख्त है। जो शख्स नेक बात की सिफारिश करे तो उसको उसके सवाब में से हिस्सा मिलेगा, और जो बुरी बात की सिफारिश करे उसको उसके अजाब में से हिस्सा मिलेगा, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलेमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्जों से दुआ दो, बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो कयामत के दिन तुम सबको जरूर जमा करेगा, और अल्लाह से बढ़कर बात का सच्चा कौन होगा। अब क्या सबब है कि मुसलमानों तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोह बन गए हो, हालांकि अल्लाह ने उनको उनके करतूतों के सबब औंधा कर दिया है। क्या तुम चाहते हो कि जिस शख्स को अल्लाह ने गुमराह रहने दिया है उसको रस्ते पर ले आओ, और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे तुम उसके लिए कभी भी रास्ता नहीं पाओगे। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं उसी तरह तुम भी काफिर होकर सब बराबर हो जाओ, तो जब तक वो अल्लाह की राह में वतन न छोड़ जाएं उनमें से किसी को दोस्त न बनाना। अगर तर्क वतन को कबूल न करें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो, और उनमें से किसी को अपना रफीक और मददगार न बनाओ। मगर जो लोग ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो, या इस हाल में कि उनके दिल तुम्हारे साथ या अपनी कौम के साथ लड़ने से भिंच रहे हों, तुम्हारे पास आ जाएं तो और बात है, और अगर अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर गालिब कर देता तो वो तुमसे जरूर लड़ते। फिर अगर वो तुमसे किनारा कशी करें यानी तुमसे न लड़ें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भेजें तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर जबरदस्ती करने की कोई सबील मुकर्रर नहीं की। तुम कुछ और लोग ऐसे भी पाओगे जो ये चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें, लेकिन जब फितना अंगेजी को बुलाए जाए तो उसमें औंधे मुंह गिर पड़े। तो ऐसे लोग अगर तुमसे लड़ने से किनारा कशी न करें और न तुम्हारी तरफ पैगाम सुलह भेजें और न अपने हाथों को रोकें तो उनको पकड़ लो और जहां पाओ कत्ल कर दो, और इन्हीं लोगों के मुकाबले में हमने तुम्हें खुली छूट दे दी। और किसी मोमिन को शाया नहीं कि दूसरे मोमिन को मार डाले मगर गलती से ऐसा कर बैठे, और जो गलती से भी मोमिन को मार डाले तो वो एक मुसलमान गुलाम आजाद कर दे और मकतूल के वारिसों को खून बहा भी दे, मगर ये कि वो माफ कर दें। फिर अगर मकतूल तुम्हारे दुश्मनों की जमात में से हो और वो खुद मोमिन हो तो सिर्फ एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए, और अगर मकतूल ऐसे लोगों में से हो जिनमें और तुम में सुलह का अहद हो तो वारिसान मकतूल को खून बहा देना और एक मुसलमान गुलाम आजाद करना चाहिए, और जिसको ये मुयस्सर न हो वो मुतवातिर दो महीने के रोजे रखे। ये कफारा अल्लाह की तरफ से कबूल तौबा के लिए है, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। और जो शख्स किसी मुसलमान को कसदन मार डालेगा तो उसकी सजा दोजख है जिसमें वो हमेशा जलता रहेगा, और अल्लाह उस पर गजबनाक होगा और उस पर लानत करेगा, और ऐसे शख्स के लिए उसने बड़ा सख्त अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनों, जब तुम अल्लाह की राह में बाहर निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमको सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, कि उससे तुम्हारी गरज ये हो कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो। सो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, चुनाचे आइंदा तहकीक कर लिया करो। बेशक जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सबकी खबर है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले, दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है, और बेहतरीन अंजाम का वादा अल्लाह ने सबसे किया है,
और अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है, यानी अल्लाह की तरफ से दराजात में और बख्शिश में और रहमत में, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे, वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ो नातवां थे। फरिश्ते कहते हैं, क्या अल्लाह का मुल्क फराख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोजख है और वो बुरी जगह है लौटने की। हां, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि न तो कोई तदबीर कर सकते हैं और न रास्ता ही जानते हैं, तो करीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ कर दे, और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए, वो जमीन में बहुत सी रहने की जगह और कुशाइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए, फिर उसको मौत आ पकड़े, तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे हो चुका, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुना नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते के तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको सताएंगे, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और ऐ पैगंबर, जब तुम इन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और इनको नमाज पढ़ाने लगो, तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ मुसल्ला होकर खड़ी रहे, जब वो सजदा कर चुके हैं तो तुमसे पीछे चले जाएं, और दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी उनकी जगह आए और होशियार और मुसल्ला होकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर तो चाहते ही हैं कि तुम जरा अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ कि तुम पर यकबारगी हमला कर दें। और अगर तुम बारिश के सबब तकलीफ में हो या बीमार हो, तो तुम पर कुछ गुना नहीं कि हथियार उतार रखो, मगर अपना बचाव जरूर कर रखो। अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको, तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है, और इन कुफार का पीछा करने में सुस्ती ना करना। अगर तुम बेआराम होते हो तो जिस तरह तुम बेआराम होते हो, उसी तरह वो भी बेआराम होते हैं, और तुम तो अल्लाह से ऐसी ऐसी उम्मीदें रखते हो जो वो नहीं रखते, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। ऐ पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है ताकि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकदमात फैसल करो, और देखो दगाबाजों की हिमायत में कभी बहस न करना, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जो लोग अपने हम जिनसों की खयानत करते हैं, उनकी तरफ से बहस न करना, क्योंकि अल्लाह दगाबाज और गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। ये लोगों से तो छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते, हालांकि जब ये रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता, तो वो इनके साथ हुआ करता है, और अल्लाह इनके तमाम कामों का इहाता किए हुए है। भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो इनकी तरफ से बहस कर लेते हो, सो कयामत के दिन इनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन बहस करेगा और कौन इनका वकील बनेगा? और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले, फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे, तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान पाएगा। और जो कोई गुनाह करता है तो उसका वबाल उसी पर है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई कसूर या गुनाह तो खुद करे, लेकिन उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर डाल दे, तो उसने बोहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। और ऐ नबी, अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती, तो इनमें से एक जमात तुमको बहकाने का कष्ट कर ही चुकी थी, और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है, और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे, और तुम पर तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा है। इन लोगों की बहुत सी सरगोशियां अच्छी नहीं, हां उस शख्स की सरगोशी अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले, तो जिधर वो चलता है
हम उसे उधर ही चला देंगे और कयामत के दिन उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो बुरी जगह है। अल्लाह इस गुना को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा और गुना जिसको चाहेगा बख्श देगा, और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो बेशक वो रस्ते से दूर जा पड़ा। ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की, और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकश ही को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है, और वो अल्लाह से कहने लगा मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवाकर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें और उन्हें समझाता रहूंगा, तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वो वहां से कोई राह फिरार नहीं पा सकेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। मुसलमानों, नजात ना तो तुम्हारी आरजुओं पर है और ना अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुराई करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा और वो अल्लाह के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनकी तिल बराबर भी हक तलफी न की जाएगी। और उस शख्स से अच्छा किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर झुका दिया और वो नेकुकार भी है, और इब्राहिम के दीन का पैरो है जो यकसू यानी एक अल्लाह के हो रहे थे, और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था, और आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है और अल्लाह हर चीज का इहाता किए हुए है। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे यतीम औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं, कह दो कि अल्लाह तुमको उनके साथ निकाह करने के मामले में इजाजत देता है, और जो हुक्म इस किताब में पहले दिया गया है वो उन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक तो देते नहीं और ख्वाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह कर लो, और नीज बेचारे बेकस बच्चों के बारे में, और यह भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। और अगर किसी औरत को अपने खाविंद की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का अंदेशा हो तो मियां बीवी पर कुछ गुना नहीं कि आपस में किसी करारदाद पर सुलह कर लें, और सुलह खूब चीज है, और तबीयतें तो खुद गरजी की तरफ मायल होती ही हैं। और अगर तुम नेकुकारी और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। तुम खाक कितना ही चाहो बीवियों में हरगिज अदल नहीं कर सकोगे, तो ऐसा भी ना करना कि एक ही की तरफ ढल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया अधर में लटक रही है। और अगर आपस में मुसालहत कर लो और परहेजगारी करो तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और अगर मियां बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो अल्लाह हर एक को अपनी वुसअत से गनी कर देगा, और अल्लाह कुशाइश वाला है, हिकमत वाला है। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनको भी, और ऐ नबी तुमको भी हमने हुक्म ताकीदी किया है कि अल्लाह से डरते रहो, और अगर तुम लोग कुफ्र करोगे तो समझ रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्द सना है। और फिर सुन रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह ही कारसाज काफी है। लोगों, अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और तुम्हारी जगह और लोगों को पैदा कर दे, और अल्लाह इस बात पर पूरी तरह कादिर है। जो शख्स दुनिया ही के सवाब का तालिब हो तो उसे मालूम हो कि अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह सुनता है, देखता है। ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, खा ये तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो अल्लाह इन दोनों का ज्यादा खैर खा है, बस तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को न छोड़ देना।
अगर तुम लगी लिपटी बात कहोगे या सच्चाई से पहलूते ही करोगे तो जान रखो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनों, अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जो किताब उसने अपने इस पैगंबर पर नाजिल की है और जो किताबें इससे पहले नाजिल की थीं, सब पर ईमान रखो। और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके पैगंबरों और रोजे कयामत से कुफ्र करे वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते गए, उनको अल्लाह ना तो बख्शेगा और ना उन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। ऐ पैगंबर, मुनाफिकों यानी दो रुखे लोगों को बिशारत सुना दो कि उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। वो जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या ये उनके यहां इज्जत हासिल करनी चाहते हैं? सो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है। और अल्लाह ने तुम मोमिनों पर अपनी किताब में यह हुक्म नाजिल फरमाया है कि जब तुम कहीं सुनो कि अल्लाह की आयतों से इनकार हो रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जा रही है तो जब तक वो लोग और बातें न करने लगें उनके पास मत बैठो, वरना तुम भी उन्हीं जैसे शुमार होगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको दोजख में इकट्ठा करने वाला है जो तुमको देखते रहते हैं। फिर अगर अल्लाह की तरफ से तुमको फतह मिले तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों को फतह नसीब हो तो उनसे कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे और तुमको मुसलमानों के हाथ से बचाया नहीं। अब अल्लाह तुम सब में कयामत के दिन फैसला कर देगा और अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हरगिज गलबा नहीं देगा। मुनाफिक इन चालों से अपने नजदीक अल्लाह को धोखा देती हैं। ये उसको क्या धोखा देंगे, वो इन्हीं को धोखे में डालने वाला है। और जब ये नमाज को खड़े होते हैं तो सुस्त और काहिल होकर, सिर्फ लोगों के दिखाने को, और अल्लाह को याद ही नहीं करते मगर बहुत कम। डावा डोल हो रही है, ना उनकी तरफ होते हैं ना इनकी तरफ, और जिसको अल्लाह भटकाए तो तुम उसके लिए कभी भी रास्ता ना पाओगे। ऐ अहले ईमान, मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह का सरी इल्जाम लो? कुछ शक नहीं कि मुनाफिक लोग दोजख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनका किसी को मददगार ना पाओगे। हाँ, जिन्होंने तौबा की और अपनी हालत को दुरुस्त कर लिया और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया और खालिस अल्लाह के हुक्म बरदार हो गए तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह अनकरीब मोमिनों को बड़ा सवाब देगा। अगर तुम लोग अल्लाह के शुक्रगुजार हो और उस पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, और अल्लाह तो कद्र शनास है, दाना है। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई किसी को आलानिया बुरा कहे मगर वो जो मजलूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता है जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुल्लम खुल्ला करोगे या छुपाकर या बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह भी मुआफ करने वाला है, साहिबे कुदरत है। जो लोग अल्लाह से और उसके पैगंबरों से कुफ्र करते हैं और अल्लाह और उसके पैगंबरों में फर्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बास को मानते हैं और बास को नहीं मानते, और ईमान और कुफ्र के बीच में एक राह निकालनी चाहते हैं, वो यकीनन काफिर हैं, और काफिरों के लिए हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फर्क न किया यानी सबको माना, ऐसे लोगों को वो अनकरीब उनकी नेकियों के सिले अता फरमाएगा, और अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। ऐ पैगंबर, अहले किताब तुमसे दरखास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ, तो ये मूसा से तो इससे भी बड़ी बड़ी दरखास्तें कर चुके हैं। उनसे कहते थे हमें अल्लाह को जाहिर यानी आमने सामने दिखा दो, सो उनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा, फिर खुली निशानियां आ जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे, तो उससे भी हमने दरगुजर की, और मूसा को हमने खुली सनद दी थी, और उनसे अहद लेने को हमने उन पर कोहे तूर उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना, और यह भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने में तजावुज यानी हुक्म के खिलाफ न करना। गरज हमने उनसे मजबूत अहद लिया, लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला, तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने और अंबिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह ने उनको मरदूद कर दिया
और उनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं, बल्कि उनके कुफर के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाती हैं। और उनके कुफर के सबब और मरियम पर एक बहतान अजीम बांधने के सबब और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को, जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे, कत्ल कर दिया है, अल्लाह ने उनको मलून कर दिया, हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ा पाए, लेकिन उन लोगों को उनकी सी सूरत मालूम हुई। और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और गुमान पर चलने के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं। और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और अहले किताब में से कोई नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा, और वो कयामत के दिन उन पर गवाह होंगे। बस हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब बहुत सी पाकीजा चीजें जो उनको हलाल थी उन पर हराम कर दी, और इस सबब से भी कि वो अक्सर अल्लाह के रस्ते से लोगों को रोकते थे, और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे, और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे, और उनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं, वो इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं, और नमाज पढ़ते हैं और जकात देते हैं और अल्लाह और रोजे आखिर को मानते हैं, तो उनको हम अनकरीब अजर अजीम देंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनके बाद वाले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी, और दाऊद को हमने जबूर भी इनायत की थी, और बहुत से पैगंबर हैं कि जिनके हालात हम तुमसे पेशतर बयान कर चुके हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान नहीं किए, और मूसा से तो अल्लाह ने खुद कलाम फरमाया। सब पैगंबरों को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा था, ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों को अल्लाह के खिलाफ कोई हुज्जत न मिले, और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। लेकिन अल्लाह ने जो किताब तुम पर नाजिल की है उसकी निस्बत अल्लाह गवाही देता है कि उसने अपने इल्म से नाजिल की है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और गवाह तो अल्लाह ही काफी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोका, वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़े। जो लोग काफिर हुए और जुल्म करते रहे, अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं और न उन्हें रास्ता ही दिखाएगा, हां सिवाय दोजख के रस्ते के, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ये बात अल्लाह को आसान है। लोगों, ये पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक बात लेकर आए हैं, तो इन पर ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर कुफ्र करोगे तो जान रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो, और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा बस अल्लाह के रसूल ही थे, और उसका खास हुक्म थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे, तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और ये ना कहो कि खुदा तीन हैं। इस एतकाद से बाज आओ कि ऐसा करना तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है, और इससे पाक है कि उसके औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और अल्लाह ही कारसाज काफी है। मसीह इस बात से आर नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हों, और न मुकर्रब फरिश्ते आर रखते हैं, और जो शख्स अल्लाह का बंदा होने को मूजिब आर समझे और सरकशी करे, तो अल्लाह सब लोगों को अपने पास जमा कर लेगा। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, वो उनको उनका पूरा पूरा बदला देगा, और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी इनायत करेगा, और जिन्होंने बंदा होने से आर और इनकार और तकब्बुर किया, तो उनको वो तकलीफ देने वाला अजाब देगा, और वो अल्लाह के सिवा अपना कोई हामी और कोई मददगार न पाएंगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक बड़ी दलील आ चुकी है, और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को
तुम्हारी तरफ राह रोशन करने वाला नूर भेज दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे, उनको वो अपनी रहमत और फजल की बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे कलाला के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि अल्लाह कलाला के बारे में यह हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसके औलाद न हो और न मां बाप और उसकी एक बहन हो, तो उसको भाई के तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर बहन मर जाए और उसके औलाद न हो तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा, और अगर मरने वाले भाई की दो बहनें हों तो दोनों को भाई के तरके में से दो तिहाई, और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारिस हों तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर है। ये अहकाम अल्लाह तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज से खूब वाकिफ है।